हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अगेन आपके साथ एक रेसिपी लेके आई हूँ, शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड, वेट लॉस की रेसिपी है। तो समझ सकते हैं आप, इसमें फैट्स बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पे मैंने एग्स को बॉईल करने के रखा है, देख सकते हैं आप, दो एग्स लिए हैं मैंने। और अब मैं प्याज को काटने वाली हूँ। सो आप इसी तरीके को सेम टू सेम प्रोसीजर यूज कीजिए, सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स यूज कीजिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ वो डाइट फूड ही है और इससे मेरा वेट कम हो रहा है। सो इसी फॉर्मूले को यूज करके आप रेसिपीज बनाइए। तो मैंने एक प्याज को काट के लिया है यहाँ पे। प्याज को मैंने काट लिया है इस तरीके से। सो इसमें हम डालेंगे अभी मेयोनीज जो है वो एक स्पून डालेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं एग का सैलेड। तो मेरे पास ये है सॉस और ये है मेयोनीज। तो मेयोनीज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे लिया है मेयोनीज। अरे 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 अरे, कैमरा चालू ही थे बड़ा। चलो इसमें हम डालेंगे नमक। ये हो गया हमारा सैलेड रेडी। इसमें हमें एग जो है वो बॉइल्ड एग को मिक्स करना है, उसका क्रश करके, यानी एक जो है बॉईल करके उसका क्रश इसमें ऐड करना है। अभी मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने सॉल्ट ऐड किया और अब मैं इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी डालने वाली हूँ। सो ये है ब्लैक पेपर, ये कैच की ब्लैक पेपर है।
देखिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें अभी हम एग डालेंगे क्रश करके। तो जब तक एग बॉईल हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा मेरे पास जो ब्राउन ब्रेड है ये उसको थोड़ा सा घी पे टोस्ट यानी बना लेते हैं उसका। यहाँ पे मैंने लिया है पैन, ये मैंने ब्रेड जो है वो रख दिया पैन पे और इस पे हम लगाएंगे घी। देसी घी है जो मैंने ऐड किया है अभी। सो बटर नहीं तो आप इस तरीके से घी भी यूज कर सकते हैं घर का देसी शुद्ध घी। कंटिन्यूस मतलब अंदर लगतो करंट सतत असं काहीतरी पाडत राहतो, बांधून ठेवायला लागतं म्हणून इकडे बस। सगळे पाडून ठेवतो इथे जे काही असेल ना ते सगळं पाडतो तो। हे बघ कस पाडून ठेवतो सगळं काय पाडतोस तू बाइट। और ऐसे ही मैं रोस्ट करूंगी फिर से ब्रेड को। वो घी जो है वो इस तरीके से मैंने फ्रीज में रखा था, थोड़ा सा ये इस तरीके से हुआ है। अगेन मैं घी में ब्रेड को रोस्ट कर रही हूँ। सो देखिए अभी एग्स भी बॉइल हो चुके हैं, दिखाती हूँ आपको। देखिए
तो इसको स्विच ऑफ कर देती हूँ और ये देखिए तो ये एक का कुछ तो है थोड़ा सा, तो इसे धो के लेती हूँ मैं अभी। एग जो है ना वो कभी कभी ऐसे उसके ऊपर देसी देसी होगा ये है, वो एग्स में पानी में डाल के धो के पानी देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी में डाल के इसे धो के लेते हैं। अगेन ब्रेड थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। तो ये है हमारा एग, का येलो खाना है और एक एग का येलो जो है वो खाना नहीं है, तो मैं इसमें से जो ये येलो पार्ट है वो हमारी कैट को दे देती हूँ और ये पार्ट जो है वो हमें खाना है, तो ये हमारे सैलड में मिक्स करती हूँ। तो ये येलो जो है वो निकाल देती हूँ अभी और वो कैट को दे देती हूँ। तो ये मैंने कैट को दे दिया, येलो नहीं डालना है, एक 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 का येलो मैंने निकाल दिया। एक ब्रेड देखिए मैं येलो जो है वो निकाल रही हूँ और वो कैट को दे दिया, कैट को दे दिया है। ओनली हाफ एक का मैंने येलो जो है वो रखा है और इससे हम बनाएंगे सैलेड। ये देखिए येलो जो है वो कैट खा रही है। और ये देखिए ये यहाँ पे हम सैलेड मेयोनीज का मिक्स करेंगे। अच्छा
चांगली बातमी आहे म्हणून गोड खातो, वाईट वाटतंय म्हणून खातो, म्हणजे मला वाटेल थोडक्यात काय सारखं गोड खात नाही. कुणी खा ना म्हणजे जरा कमी बोलशील. पण अभिनंदन अभिनंदन सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन. अभिनंदन आप्पा अभिनंदन तुमचं. एक पण हा दिवस तुम्हाला चालणार आहे ना, सगळ्यांना मान्य आहे ना तो. मला रिटायर होऊन बरीच वर्ष झाली आणि रिटायर होऊन मी आजपर्यंतच्या सगळ्या चांगल्या मुहूर्ताला सहमत उपलब्ध. सो इस तरीके से ये हमारा सैलेड जो है वो रेडी हो गया और गैस को मैंने बंद कर दिया. तो अब मैं ब्रेड पे इसे स्प्रेड कर देती हूँ. सो ये रहा मेरा खाना आज का. तो मैं इतना ही खाने वाली हूँ आज के ब्रेकफास्ट में. ब्रेकफास्ट लंच अभी सब एक ही हो गया है. इसको मैं कट कर देती हूँ. सो रेडी है गर्मा गर्म सैंडविचेस. एक सैंडविच तो इसे दो सैंडविच मैंने बनाए हैं और अभी यही मेरा खाना है. इतना ही खाना मैं खाऊंगी आज और फिनिश. आज का दिन ख़त्म. फिर कल अलग सा खाना खाऊंगी. चलो मैं इसका एक फ़ोटो निकाल लेती हूँ. तो ये थी आज की छोटी सी रेसिपी. रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. लव यू ऑल. बाय.